हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं, ये पीछे जो मेरे लैम्प देख रहे हैं वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो मैंने कैसे बनाया है। इसका पूरा स्टैंड और लैम्प शेड, लैम्प शेड का स्ट्रक्चर पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे बनाया है। और जो भी चीज़ें होगी वो लोकली मिल जाएगी, अगर वो ऑनलाइन मिलती है मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये पूरा लैम्प ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, तो जो भी ऑनलाइन होम डेकोर की चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती है, क्यों ना हम उसका DIY करके हमारे बजट में उसको बनाएं। तो इसीलिए ये इस तरह का लैम्प अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर डाल दूंगी। उसका प्राइसिंग कुछ लगभग 3000 के आसपास है, तो उसका रिक्रिएट करेंगे हम हमारे हिसाब से DIY करके और वो विद इन अ बजट। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो मैंने पहले भी इस तरह की वीडियो एक बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने ये सा रिक्रिएशन किया है। तो अगर इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर भी आई बटन में दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल बी नोटिफाइड फॉर माय न्यू वीडियो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हमें लगने वाले है 15 इंच के वुडन बैटन, आपको किसी भी कारपेंटर शॉप में ये आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने 5 rupees फीट ऐसे परचेस किया है। नेक्स्ट आपको लगने वाले है वुडन बैटन के 10 इंच के 2 pieces और 12 इंच के 2 pieces। तो इसका हम लेग्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो हमें फर्स्ट पहले लेग्स के पोर्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। दो लेग्स को हमें ऐसा टेपर्ड करके लेना है, तो उसको जॉइन करने के लिए हमें जो छोटे वुडन पीसेस कट किए हैं उसको हमें बीच में एक स्लॉट में बनाना पड़ेगा सो दैट हम उसका क्रॉस कर सकते हैं। तो सेम टेक्निक मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया है कि हमने वो कैसे किया है। मैंने उसका प्लांटर का वुडन स्टैंड बनाया था, उसके लिए भी मैंने वैसे ही क्रॉस किया था, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए। जो स्लॉट का मार्किंग है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी जो स्लॉट होगा और जो मैचिंग होगा दोनों पार्ट्स का वो एग्जैक्ट होगा। अगर आपने कम ज़्यादा किया तो वो एग्जैक्टली मैच नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मैंने जो दो 15 इंच के बैटन्स है वो मैंने प्लेन सरफेस पे रख दिए हैं और उसको मैं मार्किंग करूँगी 2 inch के ऊपर और 18 inch के ऊपर। तो नीचे वाला जो पार्ट है 2 inch के ऊपर हम वहाँ पर 12 inch का जो वुडन बैटन है स्लॉट वाला वो लगा देंगे और 3 inch के ऊपर 10 इंच वाला वुडन बैटन वहाँ पर लगा देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो टेपर हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर वुडन बैटन जॉइन करने के लिए मैं सिर्फ फेविकॉल यूज कर रही हूँ। फेविकॉल को सूखने देने के लिए मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो भी जॉइंट हमने किया है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान रखें कि जो हमने पहले स्लॉट किया था वो ऊपर की तरफ था, अब जो नेक्स्ट हम लेग जॉइन करेंगे तो उसका जो स्लॉट होगा वो नीचे की तरफ होगा सो दैट वी कैन मेक अ क्रॉस, असेंबल हो जाएगा ठीक से। दूसरा लेग बनाने के लिए उस जो 15 इंच के बैटन से वो उसके ऊपर रख के मार्किंग कर रही हूँ सो दैट वो एग्जैक्टली अलाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो क्रॉस है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर 12 इंच का जो बैटन है वो और 10 इंच का बैटन है उससे दोनों को मैंने यहाँ पर प्लस साइन बना के लिया है। तो अब हम जो अदर साइड के जो 15 इंच के बैटन्स है वो लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर फेविकॉल लगा के जो भी मार्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग वो रेफरेंस लेके हम उसको स्टिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये पूरा सरफेस प्लेन नहीं रख सकते, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिप्स ऐड किए हैं उसको सिक्योर करने के लिए। अब लैम्प को हम स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकते हैं, वो बैलेंस हो जाएगा प्रॉपरली, और हम फोर्थ लेग है वो ऐड कर देंगे। तो अब हम जो लैम्प शेड है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो हार्डवेयर शॉप से मैंने ये वायर परचेस किया है, ये वेट वाइज परचेस रहता है, तो उसको मैंने 1/2 kg के लिए 40 rupees में ये मुझे बहुत सारा वायर मिल गया था।
तो ये वायर को मैंने 14 इंच का डायमीटर कंसीडर करके कुछ एक्स्ट्रा लेंथ में उसको कट किया है, और उसको जोड़ने के लिए मैंने नॉर्मल जो इलेक्ट्रिशियन टेप यूज करते हैं वो यूज कर रही हूँ। वो प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए, वो पूरा खुलना नहीं चाहिए, तो मेक श्योर कि आप उसे प्रॉपरली स्टिक करें। तो सेम 14 इंच के दो डायमीटर्स के राउंड हमें लगने वाले हैं ऊपर और नीचे की तिल। यहाँ पर आप रेडीमेड जो हुप्स मिलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे 14 इंच वाला बड़ा साइज का हुप नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसे बना ले। तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमें लगने वाले हैं और 9 इंच के 3 वायर्स और 8 इंच के 3 वायर्स। तो जो 9 इंच के 3 वायर्स है उसको 3 इंच का लेंथ लेके उसको थोड़ा सा बेंड करना है। थोड़ा सा बेंड करिए, कुछ एग्जैक्ट एंगल लेने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पर एमसील यूज कर रही हूँ। आप मोल्डेड क्ले भी यूज कर सकते हैं। एमसील को मिक्स करके प्रॉपरली उसको यूज करना है। तो अब यहाँ पर बल्ब को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ प्लास्टिक का प्लेट लिया था यूज एंड थ्रो वाला, उसको मैंने राउंड शेप में कट कर दिया है और होल्डर की साइज का सेंटर में होल बना लिया है। तो जो 9 इंच वाले जो वायर कट किए थे वो हम ज्वाइन करेंगे इसको इक्वली 3 पार्ट्स में। अब हम मैं पूरा यहाँ पर लैम्प शेड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप देखते जाइए। सॉरी फॉर द मेस, क्योंकि वो एमसील था वो चिपक रहा था नीचे। एमसील सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो स्ट्रक्चर है वो ठीक से खड़ा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बॉटल्स और प्लांट का सपोर्ट दिया है। अब जो ये स्ट्रक्चर है रेडी हुआ है उसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, और स्ट्रक्चर बनाया लैम्प शेड का वो रेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो वुडन बैटन्स है उसी का मैंने एक स्क्वायर फॉर्म बना दिया है, सिर्फ 4 जो छोटे छोटे पीसेस रहते हैं वुडन बैटन के वो ज्वाइन करके उसको बनाया, लेकिन बीच में जो स्पेस छोड़ा है वो जो बल्ब का होल्डर होगा उसी के एग्जैक्ट साइज का होगा। तो ये जो लैम्प शेड है वो सूखने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पर जहाँ पर वो ठीक से नहीं हुआ था तो वहाँ पर मैंने टेप की हेल्प से वो सिक्योर कर दिया है। अब हमें लगेगा एक कॉटन का क्लॉथ, आप जूट क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका भी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये नॉर्मल कॉटन क्लॉथ है वाइट कलर का, उसको मैंने कट कर लिया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर साइज। तो 8 इंच का हाइट होगा हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका, और यहाँ पर मैंने कुछ कट्स लगाए साइड के ऊपर, तो वो आसानी से स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टिक करने के लिए मैं नॉर्मल फेविकॉल यूज कर रही हूँ, आपको सिर्फ नीट और क्लीनली उसको स्टिक करते जाना है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। जो लार्ज के एंड है वो भी मैंने फेविकॉल से सिक्योर कर लिए हैं, और सिमिलर प्रोसेस हम दूसरे साइड भी करेंगे, लेकिन दूसरा साइड जॉइन करते वक्त थोड़ा सा क्लॉथ है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसको लगाइए, तो वो अच्छे से स्टिफ हो जाएगा। और बाद में हमें उसको सिर्फ लैम्प शेड के ऊपर रख देना है और ऊपर से इलेक्ट्रिक कनेक्शन करके छोड़ देना है। और हमारे ये लैम्प रेडी है। अब हम दो मेथड से स्टाइल करेंगे। फर्स्ट मेथड है, यहाँ पर मैंने ये जो लिविंग रूम का कॉर्नर है आपने देखा होगा लिविंग रूम मेकओवर में, उसका मैंने यूज़ किया है, वहाँ पर मैंने ये लैम्प रख दिया है, और नीचे से मैंने दो प्लांटर्स रख दिए हैं। सेकेंड मेथड ऑफ स्टाइलिंग में मैंने लैम्प को जो जॉइंट्स हमने किए थे उसका एज अ स्टोरेज भी यूज़ किया है, वहाँ पर सिर्फ मैंने कार्डबोर्ड के राउंड कट करके उसके बीच में डाल दिए हैं और उसके ऊपर स्मॉल प्लांटर्स रख दिए। तो ये बेस्ट यूज होगा। सेम सिमिलर अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका भी लेग्स है और 3 कंपार्टमेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट बना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। आपको ये DIY लैम्प कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए,
और अगर आप इस तरह की कुछ ओल्ड होम डेकोर के आइटम DIY करके देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं देखना तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप स्पेसिफिक कोई होम डेकोर का आइटम रिक्रिएट करना चाहते हैं, उसका DIY देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसका पिक्चर या स्क्रीनशॉट आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।